मकर संक्रांति पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए हिंदू युवा वाहिनी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर में कैंप लगाकर कोविड नियमों से जागरूक कर रही है, जिसके संबंध में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पीके मल ने बताया कि मकर संक्रांति सामाजिक समरसता का पर्व है तथा सभी श्रद्धालु अपने अपने घर से चावल दाल लाकर बाबा गोरक्षनाथ बाबा को खिचड़ी चढ़ाते हैं तथा उसी प्रसाद से हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता तथा संगठन के कार्यकर्ता मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कैंप लगाकर तथा कोविड नियमों का पालन करवाने के लिए लाइन में लगवाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं तथा जिन लोगों के पास मास्क नहीं है उनको मास्क का वितरण किया जा रहा है तथा श्रद्धालुओं को बताया जा रहा है कि प्लास्टिक की थैली जिस पर रोक है उसका उपयोग ना करें। उन्होंने कहा कि मंदिर में गांव व दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं तथा मेले में बिछड़ जाते हैं, उनको मिलाने का काम भी हिंदू युवा वाहिनी कर रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल ने कहा, खिचड़ी का पर्व गोरखनाथ मंदिर के में हिंदू वाहिनी की क्या तैयारी, किस तरह संपर्क कराया जाए? ये मकर संक्रांति का महापर्व ये अपने आप में एक सामाजिक समरसता का अनूठा उदाहरण है, क्योंकि हर लोग अपने अपने घर से एक एक मुट्ठी चावल दाल लेके आके और महाप्रसाद ये चढ़ाते हैं और उसी प्रसाद से हम लोग भी प्रसाद ग्रहण करते हैं साल भर। तो हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता और मंदिर के सहयोगी 3 दर्जन से अधिक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन और स्वयंसेवी संगठन इसमें अपनी सहभागिता और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उनकी सुरक्षा के लिए निरंतर कार्य करते हैं। हिंदू वाहिनी ने भी अपना स्टॉल लगाया है, लोगों को कोविड के प्रति जागरूक करते हैं, उसके बचाव के उपाय बताते हैं, उनके लिए मास्क वितरित हम लोग कर रहे हैं, प्लास्टिक की थैली जो बैंड है उसका उपयोग न करें और उसके लिए झोले भी हम लोग ने उपलब्ध कराए हैं। इस तरह से लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं और कोविड के लिए और लोगों की बहुत सारे ऐसे गांव से महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं जो बिछड़ जाते हैं उनको मिलवाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे भूले बिछड़े लोगों की एक स्टॉल भी लगी है गोरखनाथ मंदिर की तरफ से, तो हमारे कार्यकर्ता जूता चप्पल का एक निःशुल्क काउंटर उसकी व्यवस्था में भी सहयोग करते हैं। इस तरह से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हम लोग लगातार तत्पर हैं, कार्य कर रहे हैं।